शाहपुर पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 23 अक्टूबर को जेल रोड के पास एक युवती से की गई मोबाइल लूट का खुलासा किया है, जिसमें शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 23 अक्टूबर की शाम जेल रोड पुलिस चौकी के पास हुई युवती के साथ हुई लूट की घटना में शामिल दो अभियुक्तों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन मनमाड़ जनपद औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विपुल कुरैसी उर्फ शाहिल पुत्र साजिद निवासी गीता वाटिका जेल रोड थाना शाहपुर तथा छोटू उर्फ फिरोज पुत्र शलीम निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट हाल पता ग्राम बड़को थाना खोराबार के रूप में हुई है। इन लोगों ने युवती से मोबाइल लूटा, जबकि बहादुर लड़की ने लुटेरों का पीछा किया और घायल भी हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, शाहपुर में कुछ समय पूर्व एक लड़की से मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसमें कि दुर्घटना से लड़की को चोट भी आई थी और इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तत्परता से कार्रवाई की और इन लड़कों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। ये दो युवक हैं जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जब घटना घटित हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी शिनाख्त के लिए सभी टीमें लगाई थी और इसमें इन दोनों की शिनाख्त की गई और दोनों की शिनाख्त करने के पश्चात पुलिस लखनऊ में इनकी लोकेशन पाई गई, जहां पुलिस टीम लखनऊ गई। वहां लखनऊ जाने के बाद पता चला कि इन्होंने मुंबई की एक ट्रेन पकड़ी है, पुष्पक एक्सप्रेस, तो उसके लिए पुलिस भी उनके पीछे लगी और इनको आगे जाकर महाराष्ट्र में मनमाड़ जो ज़िला है मनमाड़ स्टेशन पर जाकर इनको गिरफ्तार किया गया जीआरपी की सहायता से और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस इनको लेकर आई है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इनसे एक मोबाइल जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बरामद किया जाएगा, आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये इससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु ये जो घटना की गई थी बड़ी जघन्य घटना थी और पुलिस ने बड़ी तत्परता से दोनों युवकों का पता लगाकर इनका पीछा करके इनको महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके लाई है।